हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं कि इस फ्राइडे यानी कि आज के दिन सभी के सभी थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी लगभग 90% प्लस चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आप जब कल एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों ये टिकट्स जो है इतनी ज़्यादा सोल्ड हुई है, क्यों लोगों ने इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के एडवांस बुकिंग करवाई है। जिसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था वो था टिकट प्राइस का लो होना। जी हाँ, 75 रुपीज़ टिकट प्राइस रखा गया था जिसके कारण सभी के लिए टिकट खरीद पाना, टिकट ले पाना अफोर्डेबल हुआ और लोगों ने थिएटर के बाहर जाकर के भीड़ लगा दी। एडवांस बुकिंग में मूवी ने अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। थर्ड फ्राइडे के लिए ब्रह्मास्त्र मूवी ने 10 लाख से भी ज़्यादा की एडवांस बुकिंग की, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा के जो है टिकट्स सोल्ड हुए, यानी कि लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग इस फ्राइडे के लिए हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस मूवी के लिए ये एक जादू से कम नहीं है कि थर्ड फ्राइडे में आकर के मूवी इतना बड़ा कलेक्शन करे। जैसा कि अभी तक के आप कलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर मूवी ने बड़ा ही अच्छा कलेक्शन किया है पिछले फ्राइडे से लेकर के अभी तक के फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे में 9 करोड़ 50 लाख, फिर सैटरडे में 15 करोड़, संडे में 16 करोड़ 50 लाख, फिर मंडे में आकर के मूवी के कलेक्शन में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला। मूवी ने 4 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया। ट्यूसडे में फर्दर ड्रॉप हुआ 3 करोड़ 80 लाख, वेडनेसडे में फर्दर ड्रॉप हुआ 3 करोड़ 10 लाख और थर्सडे में मूवी ने जो कलेक्शन किया वो था 2 करोड़ 80 लाख। वहीं अब मैं आपसे फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे का कलेक्शन मूवी का बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। इससे पहले मैं आपको टोटल बता दूं कि फर्स्ट वीक का टोटल था 173 करोड़ 40 लाख, सेकंड वीक का कलेक्शन था 54 करोड़ 90 लाख, यानी कि मूवी का टोटल कलेक्शन होता है 228 करोड़ 30 लाख, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था। मैं आपको बता दूं कि मूवी ने इसमें से हिंदी में जो कलेक्शन किया है वो है 206 करोड़ और डब्ड लैंग्वेजेस से मूवी का जो कलेक्शन आया है वो है 22 करोड़। यहाँ पे अगर आप डब्ड लैंग्वेजेस का कलेक्शन देखें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि चलिए ठीक ठाक कलेक्शन है, क्योंकि साउथ में भी काफ़ी जगह में हमें जो है वो लोग हिंदी जो है समझ जाते हैं और उसी में ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तेलुगु काफ़ी स्टेट्स हो गई या फिर कर्नाटका की काफ़ी स्टेट्स हो गई, तो वहाँ पे लोग जो है डायरेक्ट हिंदी में मूवी देख लेते हैं, तो आपको इसी कारण से जो है डब मूवी का जो कलेक्शन है वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला जिस तरह से आपको साउथ मूवी का कलेक्शन जो है वो हिंदी में आकर के देखने को मिलता है। वहीं अब अगर फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे में मूवी के कलेक्शन में बम्पर उछाल देखने को मिला है, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। मूवी ने लगभग अभी तक जो अपडेट सामने आई है उसके हिसाब से 8 से 9 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी फ्राइडे के दिन के लिए कर लिया है, यानी कि ये मूवी जो है टोटल कलेक्शन इस मूवी का होने वाला है लगभग 236 से 237 करोड़। जी हाँ दोस्तों, मूवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से कर रही है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी जो है वो 400 करोड़ के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुकी है और फ्राइडे के दिन मुझे लगता है मूवी जो है कहीं ना कहीं 400 करोड़ जो है क्रॉस कर जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र मूवी बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इस फ्राइडे में, और सैटरडे की अगर मैं बात करूँ तो मूवी कलेक्शन में हमें जो है काफ़ी बड़ा और एक काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है हो सकता है जिस तरह से मूवी ने फ्राइडे में कलेक्शन किया है उसी तरह से मूवी का कलेक्शन जो है सैटरडे में भी देखने को मिलेगा। वेल, आपको क्या है कहना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि क्या सैटरडे में मूवी जो है ऑफिशियली 10 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि 10 करोड़ क्रॉस करना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8 से 9 करोड़ का कलेक्शन मूवी जो है सैटरडे के दिन भी करेगी और इसी के साथ मूवी का जो टोटल कलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया से वो लगभग 245 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि मूवी का जो है 250 करोड़ जो है इस संडे तक इजीली मूवी जो है वो क्रॉस कर जाएगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।